नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में मास महत्व की एक श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भादो मास का महत्व, भादो मास क्यों है खास। भादो मास को चातुर्मास महीना का दूसरा महीना तथा हिंदू सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से ये छठा महीना बताया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे भादो मास का महत्व तथा भादो मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी चर्चा। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। भादो मास को अग्नि पुराण में कल्याणकारी मास, भद्र परिणाम देने वाला मास तथा शून्य मास कहा गया है। कल्याणकारी इसीलिए क्योंकि इसी महीने में गणेश चतुर्थी, श्राद्ध पक्ष जैसे त्योहार आते हैं। हालांकि भारत के उत्तर भाग में ये भाद्रपद अभी तो खत्म हो गया है, लेकिन भारत के दक्षिण और पश्चिम भाग में भाद्रपद महीने का 15 दिन अभी भी शेष है और इसी 15 दिन के अंदर श्राद्ध पक्ष भी आता है, अतः इसे कल्याणकारी मास कहा गया है। भद्र परिणाम देने वाला मास यानी कि यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसका शुभ फल मिलता है, लेकिन बुरे कार्यों का हमें बहुत नुकसान भी भरना पड़ता है इस महीने में। और तीसरा है शून्य मास, क्योंकि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, इसीलिए उसे शून्य मास भी कहा गया है। हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने का ये सर्वश्रेष्ठ मास बताया गया है। भादो मास के संपूर्ण मास के अधिष्ठाती देवता है भगवान श्री विष्णु। अतः पूरे मास में हम भगवान श्री विष्णु का जो मूल मंत्र है 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उठते सोते जागते बैठते या चलते चलते भी जाप कर सकते हैं। भादो मास में पितृपक्ष भी आता है जो भारत के दक्षिण और पश्चिम भाग में आता है, अतः पितरों का मास भी इसे कहा गया है। हालांकि पद्म पुराण में बताया गया है कि देव शयनी एकादशी के दिन सारे देवता सो जाते हैं और देव उठी एकादशी के दिन देवता जागते हैं, लेकिन जो देवताओं की जागने की क्रिया है वो एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे होती है। सर्वप्रथम भादो मास में परम पूज्य आराध्य देव श्री भगवान श्री गणेश को जगाया जाता है और उसे 11 दिन तक घर पे बुला के गणेश चतुर्थी का महोत्सव हम मनाते हैं। इसके बाद पितृपक्ष में हम अपने पितरों को बुलाते हैं और बाद में, क्योंकि माता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है इसीलिए हम नवरात्रि में माता को जगा के हमारे घर में उसे स्थापित करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से क्रमानुसार सारे देवता जागते हैं और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु देव उठी एकादशी के दिन अपना योग निद्रा त्याग के समस्त संसार को कल्याण करने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हर कार्य वहाँ पे बनता है, इसीलिए भादो मास इस तरह से भी बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। आइए जानते हैं भादो मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें आराध्य देव भगवान श्री गणेश की उपासना 11 दिन करते हैं। इसके बाद ऋषि पंचमी के दिन हम सप्त ऋषियों को जरूर याद करें और बाद में श्राद्ध पक्ष में हमारे 7 पीढ़ी के जो पितृदेव है उसे हम अवश्य याद करें, उसके लिए उसकी मृत्यु तिथि के हिसाब से भोजन बनाए, ब्राह्मणों को खिलाए, दान पुण्य दक्षिणा और जल तर्पण आदि के लिए ये मास सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्या ना करें, क्योंकि भादो मास शरद ऋतु में आता है और शरद ऋतु को रोगों की माता कहा गया है। आयुर्वेद में शरद ऋतु को मिश्र ऋतु का स्थान दिया है। एक और जहाँ भादो मास के कड़ी धूप दिन में रहती है तो सुबह और शाम को ठंडी की शीत लहर भी रहती है। ऐसे में मिश्र हवामान से रोगिष्ट जीवाणु हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं और तरह तरह के रोग फैलाते हैं। इसलिए भादो मास में हमारे आर्षदृष्टा ऋषियों ने पित्त प्रकृति का प्रकोप बढ़ने से पेट की अनेक समस्याओं के निवारण के लिए मीठे चावल और दूध से बनी खीर खाने की परंपरा शुरू की है। याद रहे दर्शकों, ये परंपरा हमारे आर्षदृष्टा ऋषि ने शुरू की थी
क्योंकि इसी महीने में शरद ऋतु के आगमन से पेट में पित्त प्रकोप बढ़ता है, अतः रोज शाम को हम दूध और मीठे चावल से बनी खीर ग्रहण करें तो पित्त प्रकोप शांत होता है। इसके उपरांत दिन में पके हुए केले में चीनी और घी डाल के खाने से भी पेट के काफ़ी सारे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। भाद्रपद मास में दही, गुड़, छाछ या हरी साग सब्जी खाने बिल्कुल वर्ज्य है, बिल्कुल निषिद्ध है, क्योंकि अभी अभी बारिश शुरू श्रावण मास में ख़त्म हुई। इसके बाद भादो मास में यदि हरी सब्जियां जैसे पालक या कोई ऐसी हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें अनेक कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इस तरह से भादो मास में खान पान का ध्यान रखने से पूरे साल के लिए हम अपने शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर सकते हैं। तो ये है भादो मास की चर्चा। भादो मास में हम अपने पितरों को, आराध्य देव श्री भगवान गणेश को तथा माता तथा भगवान श्री विष्णु को याद करके पूरे मास में उसके लिए कुछ न कुछ भोजन जरूर बनाए, ब्राह्मणों को खिलाए और भादो मास में शरद ऋतु के प्रकोप से बचने के लिए मीठे चावल की खीर खाएं। इसी तरह की बातों के लिए देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। नमस्कार।